हाय दोस्तों, सबसे अच्छा मंजा कौन सा होता है? तो दोस्तों, हम आज ये जानेंगे कौन सा मंजा कहाँ तक अच्छा है और काइट फ्लाई के लिए, पतंग लड़ाने के लिए हमें कौन सा मंजा चाहिए, कैसा चाहिए, ज़्यादा मसाला वाला हो कि प्लेन हो, कि महंगा हो कि सस्ता हो, ये हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हाउ टू काइट फ्लाई बेटर मांझा, हु इज़ द बेस्ट काइट मांझा, काइटिंग मांझा। तो यहाँ पे दोस्तों कई तरह के मंझे हैं। मंझा को पहचानने के लिए सबसे बड़ी पहचान ये है, मंझा ज़्यादा कड़ा ना हो। अगर मंझा आपका ज़्यादा मसाला वाला है और सस्ता है, महंगा भी अगर है तो कड़ा है, तो उसको जो है ज़्यादातर घींच के लड़ाएं। ढील पड़ने पे, छोड़ने पे, अगर पतंग अगर थोड़ा सा भी टाइट हुई तो पतंग कट जाती है। इसको ढीलते रहें, पेच पड़ गया तो, नहीं तो घींच के ही लड़ाएं, तो कड़े मंझे का लाभ उठा पाएंगे। ज़्यादातर कड़े मंझे का इस्तेमाल घींच के लड़ाने में किया जाता है, इसलिए कड़े मंझों को आप घींच के ही लड़ाएं। और पेच पड़े तो बहुत ही चलाकी से ढीलते हुए ही और पेच लड़ाएं और पतंग टाइट ना करें, जल्दी कट जाता है ये कड़ा मंझा। और नेक्स्ट आपका ये देखिए ऑरेंज मंझा है, ये भी थोड़ा कड़ा है लेकिन प्लेन है, प्लेन मंझा बढ़िया होता है। इसके मुकाबले ये पतंग, ये मंझा जो है थोड़ा अच्छा है, इससे आप अच्छे से पतंग लड़ा सकते हो। प्लेन मंझे से ये फ़ायदा है कि जल्दी घिसने में भी जल्दी काट देता है, उसका कड़ा मंझा या प्लेन है आप तीर खींचते हो तो ये जल्दी स्लिप करता है, तो जल्दी काट देता है। अगले का कड़ा है तो भी काट देगा, नरम है तो भी काट देगा। अगर आप फास्ट खींचते हो तो ये आपका थोड़ा प्लेन मंझा जल्दी काट देता है। ढील भी पड़ गई तो ढील पड़ने से भी जो है, इससे आप थोड़ा ढीलते रहेंगे तो जल्दी इसमें दर्द, जल्दी कटने की संभावना बहुत कम रहेगी। आप बहुत ही ढीलते रहें और पतंग को टाइट करते रहें तो पतंग आप काट पाएंगे। ये है आपके प्लेन मंझा, नरम मंझा के फ़ायदे। ये देखिए आपका बेस्ट मंझा है, ये मोटा भी है, थोड़ा चिकना भी है, बहुत चिकना है, लगता है कि कुछ में मसाला है ही नहीं, लेकिन ये बहुत तेज काटता है और जल्दी कोई काट भी नहीं पाता इसको। ये मंझा जल्दी कटता भी नहीं है, बहुत अच्छे क्वालिटी का है, थोड़ा तो कॉस्टली है। इसको हम लोग गेंडा मांझा, ये बनारस में मिलता है, बहुत थोड़ा महंगा होता है लेकिन अच्छी क्वालिटी का होता है, जल्दी कटता नहीं है, गलती करेंगे तभी कटेंगे, नहीं तो जल्दी कटता नहीं है, अच्छे से डाएंगे तो। यहाँ का पांडा मांझा काफ़ी बेस्ट है, चिकना ही, और चिकने मंझे का फ़ायदे बहुत हैं। और चिकना मंझा लीजिए और जो भी मंझा लीजिए आप, तो पहले आप चेक कर लो कि मंझा जो है काफ़ी स्मूथ हो, मंझा कड़ा ना हो और मंझा जंप ना करे। मंझा अगर आपका जंप करता है, जैसे मंझा है, मंझा आपका अगर जंप करता है तो उड़ाने में दिक्कत होगी, पतंग लबलब करेगी, अच्छे से उड़ नहीं पाएगी, न अच्छे बैलेंस होगी, नहीं काट पाएंगे। इसलिए मंझा प्लेन हो और ज़्यादा रबड़ की तरह जंप ना करें। और इसलिए दोस्तों आप मंझा इस्तेमाल करें तो बहुत ही प्लेन मंझा इस्तेमाल करें और इसे क्वालिटी का हो, ज़्यादा जंप ना करें। मंझा जंप करता है तभी पतंग उड़ने में दिक्कत होती है, अच्छे से उड़ नहीं पाती है, प्रॉब्लम होती है, संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मंझा ज़्यादा स्पंजी ना हो, ज़्यादा जंप ना करे, टाइट हो घिसने पे और प्लेन हो, प्लेन मंझा रहता है बहुत अच्छा रहता है, अच्छे क्वालिटी का प्लेन हो तो प्लेन मंझा घिसने और ढीलने दोनों काम आता है और जल्दी कटता नहीं किसी से और अच्छे से काटेगा। और फिर जब अच्छे से उड़ाएँ, गलती ना करें, गलती करेंगे थोड़ा सा तो पतंग कट जाती है, इसलिए पतंग को कब टाइट करना, कब घिसना है, कब ढीलना है, इसका ध्यान रखें। पतंग को टाइट रखें और जब ढीलने की नौबत आए तो ढीलें, इसको तो आप अच्छे से काट पाएंगे।
ये देखिए मंझा स्पेशल है, इसको मैं बड़ी पतंग उड़ाता हूँ क्योंकि मंझा एक बेस्ट क्वालिटी का है। ये गेंडा मंझा है, बनारस में मिलता है। ये मंझा बहुत ही आपका मसाला ऐसा है कि कड़ापन नहीं है, प्लेन में है और स्पंज भी नहीं करता है, जंप नहीं करता है और बेस्ट क्वालिटी का मंझा है ये। इसलिए मंझा हमेशा प्लेन इस्तेमाल करें, जो जंप ना करें और प्लेन हो। ये थोड़ा हल्का सा मोटा लेकिन अच्छा क्वालिटी का प्लेन है। ये देखिए आपके ये थोड़ा सस्ते मंझे हैं, ये आपका सस्ते मंझे हैं। ये इसलिए होता है कि भीड़ लड़ाना है तो घीच लड़ाना है, बहुत लंबा लड़ाना है तो उसके लिए सस्ता मंझा सही रहता है कि आपको बहुत बच के बहुत भीड़ कहीं लड़ाना है, घीच के लड़ाना है तो सस्ता मंझा सही है। महंगा मंझा लेंगे तो अगर कट गई तो नुकसान होगा, इसीलिए अगर आपको मीडियम पतंग उड़ाना है 5-6 वाली सस्ता मंझा लें, लंबा लड़ाना है तो लंबी दूरी का लड़ाना है तो घींच के लड़ाएँ, अच्छे से लड़ाएँ तो उसमें मज़ा भी आता है और नुकसान भी होता है। और अच्छा मंझा का इस्तेमाल भी आप चाहे तो कर सकते हो, आसपास में ज़्यादा जरूरी होता है, आसपास में आप अच्छे से बड़ी पतंगे उड़ा सकते हैं, कोई जल्दी डिस्टर्ब ना करे, बड़ी पतंगे बचाना पड़ता है। ज़्यादातर लोग बड़ी पतंगे उड़ाने पर डिस्टर्ब करने लगते हैं और छोटे बड़े सब आके काटने लगते हैं, इसलिए अच्छा मंझा हो तो कटने की संभावना कम होती है, आप अच्छे से काट पाएंगे। नहीं तो लोकल मंझा है, थोड़ी सी गलती हुई तो पतंग कट जाती है, आप जितना बचाना चाहो बचा नहीं पाओगे, इसलिए आप मंझा अच्छे क्वालिटी इस्तेमाल करें। ओके फ्रेंड, अच्छा सा मंझा इस्तेमाल करें, इन्जॉय करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।